सब्सक्राइब करें जीएसटी प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन प्रेस कर लें जीएसटी और इनकम टैक्स की वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जीएसटी प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ फ्रेंड्स, जो यूटिलिटी आप इंतजार कर रहे थे इनकम टैक्स पोर्टल पे, उसे इनेबल कर दिया गया है। कैसे यूज करना है, आइए चलते हैं पोर्टल पे और लाइव समझते हैं क्या प्रोसेस है। सबसे पहले आपको अपने इनकम टैक्स पोर्टल के अंदर लॉगिन करना है और ध्यान रखिएगा, लॉगिन करने के लिए पैन नंबर और यूजर आईडी यूज नहीं करना है। आपको जो यूज करना है वो करना है टैन नंबर, यानी कि जिस लॉगिन से आप अपनी टीडीएस की रिटर्न अपलोड करते हैं पोर्टल पे, उस टैन नंबर से और उसके पासवर्ड से लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने कुछ ऐसा डैशबोर्ड जो है वो ओपन हो जाएगा। जैसे ही डैशबोर्ड ओपन होगा, आपको जाना है पेंडिंग एक्शंस। पेंडिंग एक्शंस में रिपोर्टिंग पोर्टल के अंदर जा करके आपको एक नया विंडो इस तरीके से नजर आएगा रिपोर्टिंग पोर्टल में, जिसमें आपको सेक्शन 206AB जो कि 1 जुलाई से इंप्लीमेंट हो रहा है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो दे दी जाएगी। क्या है 206AB, क्या है नए सेक्शन जो 1 जुलाई से आने हैं, वो आपको हमारी अगले महीने की मंथली टैक्स मैगजीन में भी देखने को मिलेगा। अगर आपने अभी तक मैगजीन की सब्सक्रिप्शन नहीं ली है तो आप इन नंबर्स पे कॉल करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। अब हम लोग चलेंगे अगले स्टेप पे। अभी हम लोग आ गए हैं रिपोर्टिंग पोर्टल पे। आप जैसे ही रिपोर्टिंग पोर्टल पे आएंगे, आपके सामने 4 ऑप्शंस दिखेगा। पहला न्यू रजिस्ट्रेशन, दूसरा SFT प्रीलिमिनरी रिस्पांस, तीसरा प्रीलिमिनरी रिस्पांस इन रिस्पेक्ट ऑफ 61B और चौथा है मैनेज प्रिंसिपल ऑफिसर। हमें क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन। न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करने के बाद क्लिक करेंगे कंटिन्यू। अब कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पूछेगा फॉर्म टाइप, कौन से फॉर्म के लिए आप रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराना चाहते हैं। इसमें आपको 3 ऑप्शंस दिए जाएंगे, कहीं कहीं आपको 4 ऑप्शंस भी देखने को मिलेगा। आपको चेक करना है कंप्लायंस चेक, ब्रैकेट में टैक्स डिडक्टर एंड टैक्स कलेक्टर, यानी कि 206AB के अंदर जो कंप्लायंस है उसे चेक करने के लिए आप इस रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन कराएंगे। इस पे क्लिक करेंगे तो कैटेगरी जो है ऑटोमेटिकली बेस्ड ऑन योर पैन नंबर एंड पैन नंबर जो है वो आ जाएगा। हमारे सिचुएशन में ये इंडिविजुअल या HUF है तो वो ऑटोमेटिकली आ गया। इसके बाद हम लोगों को करना है नेक्स्ट। नेक्स्ट करेंगे तो आपसे यहाँ पर एंटिटी डिटेल्स जो है वो मांगा जाएगा। एंटिटी डिटेल्स का मतलब जिस एंटिटी का डिडक्टर आपका काम कर रहे हैं, यानी कि जिस एंटिटी का आप एज अ डिडक्टर काम करते हैं, तो उस एंटिटी की डिटेल्स आपको यहां पे डालनी है। एंटिटी नेम और एंटिटी पैन जो है ये डालने की जरूरत नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट अपने आप ले लेगा। फ्लैट का एड्रेस डालना है, एरिया डालना है, टाउन सिटी डिस्ट्रिक्ट वगैरह डालते हुए आपको यहां पर क्लिक करना है एड प्रिंसिपल ऑफिसर। जितने भी रेड स्टार मार्क हैं ये सारी फील्ड्स आप भर सकते हैं एज पर योर TDS डेटा। इसके बाद करना है एड प्रिंसिपल ऑफिसर, ये करना जरूरी है। अगर आप ये नहीं करेंगे तो आपका रिपोर्टिंग पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन जो है नहीं होगा। प्रिंसिपल ऑफिसर का क्या मतलब है? प्रिंसिपल ऑफिसर का मतलब है वो पर्सन जो कि रिपोर्टिंग पर्सन के रूप में डेजिग्नेटेड है। कहने का मतलब है कि अगर आप इंडिविजुअल हैं तो जो ओनर है वही हो जाएगा प्रिंसिपल ऑफिसर। अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है तो जो पार्टनर TDS के रिटर्न में सबमिशन करता है, डिडक्शन करता है, उसकी डिटेल्स आप यहां पर डाल सकते हैं। कंपनी के केस में आपको चेक करना होगा कि TDS में आपने किसको दे रखा है एज अ प्रिंसिपल ऑफिसर। तो यहां पर पैन नंबर डालना है उस प्रिंसिपल ऑफिसर का, फर्म का नहीं। अगर पार्टनरशिप फर्म है तो फर्म का नहीं जाएगा, उस ऑफिसर का पैन नंबर, उसका फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेजिग्नेशन, एक्सेस टाइप आपको यहां पर ऑपरेशनल जो है वो सिलेक्टेड है, ये आप चेंज नहीं कर सकते। यहां पर आपको डालना है डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी। ईमेल आईडी आप वही डालिएगा जिसका आप एक्सेस कर सकते हैं, क्योंकि आप जैसे ही यहां पर रजिस्ट्रेशन करेंगे, अगले स्टेप में डिपार्टमेंट आपको कुछ मैसेज भेजेगा जिसमें पासवर्ड जो है आपके लिए अवेलेबल करवाया जाएगा। तो ये ईमेल आईडी और कोई सा मत दे दीजिएगा जो चालू नहीं है। इसके बाद आपको एड्रेस डालना है। ये सारी चीजें डालने के बाद आप इसे प्रीव्यू कर सकते हैं
और प्रीव्यू करने के बाद सबमिट पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करेंगे, फिर आपके पास 10 मिनट के अंदर, जैसे ही आप फॉर्म सबमिट कर देंगे रिपोर्टिंग रजिस्ट्रेशन का, उसके बाद 10 मिनट का समय लगेगा और 10 मिनट के अंदर आपके सामने कुछ इस तरीके से ईमेल आ जाएगा कि ITDREIN generated successfully। इस ईमेल में आपको फर्स्ट टाइम लॉगिन और फर्स्ट टाइम के लिए पासवर्ड जो है वो अवेलेबल करवा दिया जाएगा इस रिपोर्टिंग पोर्टल को यूज करने के लिए। अब आपको जाना है इस लॉगिन आईडी और पासवर्ड को यूज करते हुए इस रिपोर्टिंग पोर्टल में दोबारा से लॉगिन जो है वो कर लेना है। रजिस्ट्रेशन के बाद आपको लॉगिन करना है और लॉगिन करने के लिए भी पेंडिंग एक्शंस में जाकर के आप रिपोर्टिंग पोर्टल में जाएंगे तो आपके पास रिपोर्टिंग पोर्टल का विंडो जो है वो ओपन हो जाएगा, जहां पर आपको प्रिंसिपल ऑफिसर का पैन नंबर और जो पासवर्ड आपने रीसेट किया होगा ईमेल आने के बाद वो दोनों चीज डालते हुए लॉगिन कर लेना है। लॉगिन जैसे ही कर लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में आपको कंप्लायंस चेक फॉर सेक्शन 206AB एंड सेक्शन 206CCA का विंडो जो है वो आपको दिखाया जाएगा। अब यहां पर आप चेक कर सकते हैं इंडिविजुअल पैन, जितने आपके वेंडर्स हैं, डिटेल्स में क्या है ये सेक्शंस और क्या कहते हैं ये सेक्शंस, इसकी डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी अपलोड करी है, आप उस वीडियो का भी रेफर कर सकते हैं या हमारी जो मैगजीन है उसको आप परचेज कर सकते हैं। अब यहां पर आपके पास पैन सर्च और बल्क सर्च का दो ऑप्शन है। अगर आपके पास मल्टीपल पैन्स हैं तो आप डायरेक्टली सारे पैन्स का इकट्ठा डेटा जो है वो सर्च कर सकते हैं। इंडिविजुअली सर्च करना है तो आपको यहाँ पर पैन नंबर डालना है और पैन नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पर ये जो कैप्चा कोड है वो डाल के सर्च करना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो यहाँ बता देगा फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो पैन नंबर में आपका नाम है, पैन अलॉटमेंट डेट क्या है, आधार से लिंक्ड है या नहीं और स्पेसिफाइड पर्सन 206AB में है या नहीं है। अगर यहाँ यस आ गया दैट मीन्स आपको जो TDS है इस पर्टिकुलर पैन के डिडक्टर का हायर परसेंटेज पे काटना है। अगर नो आ गया तो आपको फॉर फाइनेंशियल ईयर 21-22 जो है हायर रेट ऑफ डिडक्शन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इस चीज को PDF में भी डाउनलोड कर सकते हैं और अपने पास एज अ रिकॉर्ड मेंटेन कर सकते हैं। तो ये यूटिलिटी जो है, ये फैसिलिटी फंक्शनैलिटी जो है वो अब अवेलेबल करवा दी गई है। अगर आपको मल्टीपल करना है तो इसके लिए आपको पहले CSV टेम्पलेट डाउनलोड करना है और उस टेम्पलेट के अंदर जो डेटा मांगा गया है वो डेटा डालते हुए अपलोड आप यहां पर करेंगे CSV। आप जैसे ही अपलोड करेंगे सारे पैन का चेकिंग जो है ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स का जो रिपोर्टिंग पोर्टल है वो करके दे देगा। यहां पर आप देख पा रहे हैं CSV फाइल में आपसे पैन नंबर मांगा गया है, आप यहां पर पैन नंबर डाल करके इसे अपलोड कर सकते हैं इस सेक्शन को यूज। तो ये पूरा प्रोसेस जो है 206AB और 206CCA को कैसे इस्तेमाल करना है उसके लिए लॉन्च कर दिया गया है। चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। अगर आपको इस सेक्शन को समझने में कोई दिक्कत है या TDS की रिटर्न फाइलिंग करने में दिक्कत आती है तो आप उसके लिए हमारा TDS रिटर्न फाइलिंग कोर्स भी परचेज कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आप हमारा मोबाइल एप्लीकेशन GST प्लेटफॉर्म प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।